नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जो वीडियो देखे, छोटा सा रील बना कर दिखाया, आज मैंने जिंदगी में तो नहीं हार मान पाया, लेकिन हाँ, आज मैं अपनी आंख सदा के लिए खो दिया। इसके पीछे की कुछ घटना है जो मैं बड़े छोटे शब्दों में आपसे शेयर करना चाहूंगा। बात ये उन दिनों की है जब 67th बीपीएससी के एग्जाम हो रहे थे। अचानक पेपर लिख हुआ तो बहुत सारे लोग थे आक्रोश। ये हद स्थिति है, इतने लोगों की उम्मीद होती है, इतनी मेहनत होती है, इसमें 90% गरीब का ही बाल बच्चा होता है। अपना घर बार गांव समाज छोड़ के पटना जैसे महंगे शहर में आके तैयारी करता है और बीपीएससी का दो ड्रामा जनजात। पहला 10 क्वेश्चन वो गलत देगा ही देगा, 2 बार आंसर वो निकालेगा ही निकालेगा, पेपर लिख करवाएगा ही करवाएगा। इसको लेके एक दिलीप जी थे, आप जानते भी होंगे, आए थे इंस्टीट्यूट में। बोले सुजीत सर, आंदोलन है, आंदोलन में आप कोचिंग बंद रखिएगा। कहे श्योर श्योर। और उस समय हिस्ट्री ऑप्शनल का ये आलम था, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं दिल की बात कहूं, ये आलम था कि पूरे पटना शहर में सीएमई के बाद, संजय सर की संस्था के बाद, अगर ऑप्शनल का बच्चा किसी के पास था तो सिर्फ मेरे पास था हिस्ट्री में, उसके बाद दूर दूर तक कोई नहीं था। ये आप सोच लीजिए कि ऑफलाइन में 200+ स्टूडेंट था, 2 बैच, ऑनलाइन में 192। फी का तो चर्चा ही आपसे नहीं करूंगा, अब आप समझ गए होंगे क्या आलम था। जैसे ही ये बात आए बोलने के लिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, कल आंदोलन अगर हो रहा है तो हम भी चलेंगे। उन्हें बोला सर आप टीचर हैं, आप अगर चलिएगा तो अति उत्तम होगा, हमारे लिए भी आसान होगा, ले हम आएंगे आप जाइए। जैसे ही घड़ी में 8 बजती है वहां से निकलते हैं अपने इंस्टीट्यूट से और पहुंच जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी। आंदोलन की आगाज वहीं से होनी थी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा वहीं से लगने वाला था और आंदोलन अपने चरम सीमा पर चलना शुरू हुई पूरे तरीके से। पहले तो पूरा पटना में जहां तक जहां जहां लॉबी, स्टूडेंट की लॉबी थी, जहां बहुत सारे बच्चा स्टडी करने आते हैं, चाहे वनडे हो या बीपीएससी का हो या यूपीएससी का, जो भी हो, वहां तक पहले पूरा घूमते हुए, उसके बाद फिर वैसे ही करते हुए आगे आंदोलन चल रही थी। जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ती है, कोशिश किया जाता है इसको रोकने का प्रयास किया जाता है, इसको किसी भी हालत में रोका जाए, लेकिन रोकने की सारी बुद्धि, पुलिस अगर उधर से आ रही है तो इस रोड में चले जाते थे, पुलिस उससे आ रही है तो उसमें चले जाते थे, मतलब एन केन प्रकारें। लेकिन एक शर्त थी, सबसे आगे हम थे। हम आगे इसलिए थे कि बाबू एक चीज याद रखना, इस 8-10 हजार की भीड़ में कई बेकूफ भी आए होंगे, उनकी बातों में, उनकी बहकावों में मत रह जाना, क्योंकि वो गलत करेंगे और फंसेंगे हम सब। इसलिए किसी भी हालत में कोई किसी का गलत नहीं करेगा, कोई किसी का सामान नहीं लेगा, कोई किसी को डंडे ना मारेगा, ना कोई किसी के साथ बेइज्जती करेगा। अगर वो मारे भी तो आराम से सर दे देना, लो मारो जहां मारना है, लेकिन हाथ नहीं उठाना पुलिस पे, इसको बस रखना, तभी हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वहां से चलते 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 अचानक जब बीपीएससी के अंतिम मोड़ पे पहुंचने वाले होते हैं, उसी बीच में रोक के लाठी चार्ज होता है। यहां तक सब कुछ सही था जो हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। हम आगे इसलिए नहीं थे कि क्योंकि मुझे मार खाना था, हम आगे इसलिए थे क्योंकि उन सारे स्टूडेंट में इकलौता मैं ही शिक्षक था, तो मुझे आगे रहना जरूरी था ताकि कोई बदमाशी ना करे, उसको रोकने का प्रयास किया जाए, उनको बताया जाए। और थोड़ा डर भी होता था कि भाई सुनामी गुरु आगे चल रहा है। उस समय सुनामी उनामी कुछ नहीं था, मेरा नाम उस समय सुजीत सर नाम था, सिंपल सा।
धीरे 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 आंदोलन को जैसे ही वहां पे रोका, गर्मी बेसुमार थी, बेसुमार, वहां पे रोकने की कोशिश किया, उसके बाद हम लोग स्टॉप हो गए, अब यहां से मार लगेगा, और सब लोग हरकत में आ गए। और जैसे ही आवाज आती है लाठी चार्ज, तो फिर वो भीड़ जो है तितर बितर होना शुरू होती है, और मार के डर से तो भूत भी भागता है, मैं कौन सा हूं, मैं भी भागना शुरू किया। जैसे ही भागना मैं शुरू किया, अचानक उस भीड़ में कई ऐसे बच्चे थे जो गिर गए, उनके ऊपर से जा रहे थे। इसी बीच में एक बच्चा गिर गया था, उसके हाथ को पकड़ के उठाने की हम कोशिश किए, लगा जब इस पे सब चढ़ ही रहा और हम भी चढ़ी जाएंगे तो हम में उनमें क्या अंतर रहा, बस झुक के जो उठाने की कोशिश किए ना, पीछे से जो पुलिस था उसने जो लाठी, वो सफेद वाला होता पारदर्शी वाला जो होता डंडा, वो फेंका, और जैसे ही उसने वो फेंका वो सीधे आके आंख पे लगी, और इस तरीके से लगी, अगर ऐसे लगती तो उसी समय साफ हो जाता, ऐसे एकदम स्ट्रेट आके आंख पे लगी, और जैसे ही आंख पे लगी उसके बाद तो हम बेहोशी हो गए। हमने बोले या खुदा ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दे दिया, बस यही आवाज दिल से निकली, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने आंख खो दिया, लेकिन बस खुदा का लाख लाख शुक्र, अभी हार कहां मानने वाले थे जी, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, फिर भी भागे, उसको उठाए, चोट लगा आंख इस पे इस तरीके से कर लिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज बीपीएससी को पवित्र कर देंगे, जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे, आज कर देंगे, आए हैं तो पवित्र करके ही जाएंगे, खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, चाहे जो कीमत अदा करना पड़े, अगर सामने जिसको जो बैठ के हमसे बात करना है करके देख लो, लेकिन आज रफा दफा कर देंगे, बीपीएससी को पवित्र करके छोड़ेंगे, बहुत हो गया इसका ड्रामा। भाग के कुछ देर वापस गए, फिर वहां से ऑटो लिए, क्योंकि अगर ऐसे आते तो हमको मारता, ऑटो शेयर ऑटो लिए, उसमें 6-7 लोग हमारे साथ थे, सब उसी में बैठ गए, सर ऐसे ही से, और तब तक हम सब कुछ खो चुके थे, अरे सर टेंशन ना दीजिए पैसा की, चलिए ऑटो का शेयर हम दे देंगे, और सीधे बीपीएससी गेट पे एंट्री होती है, अब असली मजा आने वाला है, अब पुलिस उधर से खदेड़े इधर, इधर से खदेड़े उधर, आवाज ही आवाज हर तरफ, इनकलाब जिंदाबाद, बीपीएससी होश में आ जा, वरना इस बार कोई मौका नहीं देंगे, जो ड्रामा करना था वो सदियों से तुमने कर दिया, न जाने कितने ऐसे बच्चे थे जो एसडीएम बनने वाले थे, आज तुमने सब्जी बेचने पे मजबूर कर दिया, ठेला रेरा पटरी लगाने पे मजबूर कर दिया, कितनों की उम्र खा गया, कितनों की जवानी तुमने खा दिया, इस बार हम तुमको खा जाएंगे, इसलिए होश में आ जाओ, बस यही हलचल चल रही थी। इसी बीच में जब दौड़ाना शुरू करता है, उसमें एक एसपी होता है, बोला कुछ नहीं, बस इस रेड जो टी शर्ट पहने हुए है इसको तू पकड़, सारा समाधान हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही उछल रहा है। और वो जैसे ही आया उसका सीधे कॉलर पकड़ता है, और एट ए टाइम पता भी मुझे नहीं चला, वहीं पे गाड़ी लगा हुआ था उसी के अंदर झोंक दिया, चल अंदर। और जैसे अंदर गए तो अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, उन्होंने देखा तो नमस्ते सर नमस्ते, और जो वहां पे कांस्टेबल थी लड़की थी, बोली यार इस इंसान को क्यों नमस्ते सब कर रहा, जबकि है तो ये स्टूडेंट, उनको पता कहां था ये सुनामी है, ये स्टूडेंट थोड़ी है। बस अंदर गए तो उसके बाद वो लोग जो है उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो बदल गई हमारी प्रति, एकदम आराम से प्यार से सबको, हमारी वजह से सब आराम से थे, और सीधा वहां से वो गाड़ी निकला, किधर निकला कब निकला बंद करके पता नहीं चला, और जब गाड़ी रुकी तो पता चला शास्त्री नगर थाने पे। अब डर इस बात की कि परिवार जानेगा तो बस एक ही शब्द कहेगा, बस एक यही कुकर्म बचा था करने का, वो भी तुमने कर दिया। सीधे एंट्री होती है, असिस्टेंट जो कभी कल्पना नहीं किए वो सारा दृश्य आंखों के सामने, शास्त्री नगर थाना पे एंट्री होती है। संजोग ऐसा होता कि बारिश भी होना शुरू हो जाता तो पूरा भींगा हुआ कपड़ा, जिस समय आंदोलन हो रहा था अचानक बारिश शुरू हो जाती है, गर्मी बेसुमार थी, थोड़ा इंद्र भगवान का कृपा था तो बारिश हो गई तो बड़ा अच्छा था। उसके बाद वहां आए, वहां आने बाद सबको बैठाया, संजोग से जब हम जा रहे थे जैसे ही पुलिस स्टेशन, तो वहां पे जो एसआई बैठा हुआ था संजोग से, वो अपना स्टूडेंट निकला, क्योंकि वो भी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट आ चुका था। बोला गुरुदेव आप ये क्या किए? अकेले कुछ नहीं बस बदकिस्मती है। बोला कोई बात नहीं गुरुदेव आप यहां बैठिए मेरे पास। नहीं नहीं मैं सबके साथ ही बैठूंगा ठीक रहेगा। अरे ना गुरुदेव आप बैठिए यहां पे, आपका यहां स्थान है।
आप स्टूडेंट नहीं हो, आप यहां बैठो, किसी की हिम्मत नहीं यहां कुछ करते आपको, आप बैठो तो यहां पे सब सही हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप जाना चाहो तो जाओ, कर नहीं जाऊंगा तभी जब ये सारे लोग जाएंगे। टोटल 9 लोग थे, 9 या 8 लोग कंफर्म तो अभी याद नहीं है, 9 स्टूडेंट थे हमारे साथ, उसमें कई लड़कियां थी, बच्चों को लेके थी, कहीं जा रही थी बेचारी, वो भी फंस गई थी, तो कुछ लड़कियों को तो रिहा 1-1.5 घंटे के अंदर कर दिया था, बाकी सबको रोक के रखे हुए था, लड़कियां सब रिहा हुई थी, 8-9 लड़के थे वहीं पे बैठे हुए थे। हम बोले जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, चाहे जब भी आपको निकालना। उसके बाद एंट्री होती है वहां के इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर आके पूछना शुरू करता, कहां से आए हो जी, क्या आए हो जी, कहां घर हुआ जी, ये हुआ तो बात पूछता है, आप कहां से हो जी, यही काम करते हो, ये करते हो। थोड़ा देर के लिए फिर बाहर बैठाया, आफ्टर 8 o'clock रात में SSP आते हैं, पटना के SSP, नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो जो थे पंजाबी थे, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, मतलब लगा कि नहीं है धरती पे इंसान भी है। उन्होंने बस एक ही बात बोला देख के कि आप लोग सब अपना आधार कार्ड जमा करवाइए और भविष्य में कभी आपका नाम किसी भी आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखें, उसके बाद जो होगा आपके साथ वो आप भी नहीं समझ सकते हैं। फिर हम लोग सब आधार कार्ड अपना डाले, साइन किए, जो लिखाया वो सब लिखे, लिखने में फाइनली 10 बजे रात को छोड़ दिया जाता है। घर जब आते हैं तब तक आंख इतना बड़ा फूल के, इतना बड़ा हाथ पूरा टूटा हुआ, इस तरीके से टूट चुका था, ऐसे ही बंधा हुआ। धीरे धीरे समय बदलते गया, दिखलाए उखलाए, मेडिसिन वगैरह किए, तो भगवान की दया से ठीक ठाक हो गया। बोला कोई बात नहीं, समय के साथ रेटिना उल्टा हुआ, सीधे सीधे ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है सर। अचानक वक्त बदलते देर नहीं लगता है, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ, पिछले 1 महीने तक क्लास लिया हूं, पिछले 1 महीने तक धुआंधार पारी खेला हूं, पूरा क्लास लिया हूं, आंख से आंसू गिर रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन क्लास रोकने नहीं दिया हूं, क्योंकि किसी का उम्मीद हूं मैं, किसी का चांद हूं मैं, किसी की आशा हूं मैं, किसी के परिवार का निवाला हूं मैं। मैंने कभी एब्सेंट नहीं किया, लगातार संडे तक को आंख से आंसू गिरता था, इसको आराम से रुमाल से साफ कर लेते थे, लेकिन क्लास लेते थे। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मैं जब दिखलाने के लिए आया, तब जो फाइनल रिपोर्ट निकल के आता है, बस ये कहा जाता है कि रेटिना पूरा पानी से भर चुका है, अब इसमें इमेज कभी भविष्य में नहीं बन पाएगा। एक और बात बोला एग्जैक्ट वो तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये बोला कि उसमें 3000 पॉइंट होना चाहिए, 3000 पॉइंट, क्योंकि आपका एज के अकॉर्डिंग 35+ एज अगर रहता है किसी भी इंसान का, तो उसका 3000 वो लेंथ कुछ होता है जो 3000 पॉइंट होना, और आपका मात्र 600 है। अगर 1500 भी रहता तो भी हम इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन कोशिश सुजीत जी हम करेंगे कि आपका सही हो जाए, बाकी ऊपर खुदा जाने, जो होगा वो देखा जाएगा। ऑपरेशन होता है, टाइम दिया जाता है सुबह 6 बजे को, एकदम 5 बजे हॉस्पिटल में आते हैं, ऑपरेशन शुरू होती है, ऑपरेशन शुरू होके जब फाइनली होता है तो बस एक ही रिपोर्ट निकल के आता है, अनसक्सेसफुल, आप सदा के लिए इस आंख को खो दिए। अगर कहा जाए तो यह एहसास हुआ मैंने बहुत कुछ खो दिया, दिल रो रहा था, आंखें रो रही थी, लग रहा था इतना पैसा क्या करेंगे कमा के जब आंख ही नहीं, अब एक आंख से इंसान कितना देख सकता है, दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची हुई थी, उम्मीद, आशा, या तो मैं बैठ के कहीं रोलूं, या तो मैं ये सोच के आगे बढ़ूं मेरे पास अभी एक आंख बचा हुआ है, इस एक आंख से भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर मैं चाहूं तो, 2 ऑप्शन मेरे पास था, बस यही सोच के सारी चीजों को वहीं पे त्याग दिया। और बस डॉक्टर ने एक ही बात बोला, आप रो क्यों रहे हो, बोला सर बस रो नहीं रहा हूं, आंखों से आंसू बस गिर रही है, तुमने अंदर तो जरूर रो रहे हो, कह नहीं सर बस इसलिए रोता हूं ना क्योंकि लड़की का बाप हूं, कल के डेट में दुनिया भी कहेगा कि किसके यहां कर रहे हो, बाप ही अंधा है, कल दुनिया भी ताने मुझे मारेगी, कोई छोड़ेगी हमें किसी भी हालत में, अच्छे लोग को तो छोड़ती नहीं,
हम तो एक आंख वाले हैं जी। डॉक्टर साहब आपसे विनती है। बोले बताओ। बस इस आंख को बंद होने मत देना, जो कीमत लेना चाहो मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं, बस इस आंख को बंद होने मत देना। जो जानते हैं वही जानते हैं कि मैं अंधा हूं, जो नहीं जानते हैं उनको पकड़ना मुश्किल हो जाए, बस आंख खुली रहे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन आप क्यों लेते हो, आप इतना इमोशनल मत हो, मैं हूं ना, आप इस समय ऑपरेशन करवा के आप जाइए, 3 महीने के बाद जब सूख जाएगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं इसमें ऐसा काम कर दूंगा कि यहां कभी आपका बंद नहीं होगा, और जो दूसरा आंख बचा हुआ उसमें भी प्रोटेक्शन लगा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। बस यही एक छोटी सी दास्तां थी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। रक्षाबंधन कल बीत गया, कई बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधे, कई भाई अपने कलाई में बहन से राखी बंधवाई। आज जितने भी SDM, DSP या अदर पोस्ट पे बैठे हुए हैं ना, इसी आंदोलन की वजह से बैठे हुए हैं, वरना ये लोग आपको कभी अंदर आने नहीं देते सिस्टम में। जितना भ्रष्टाचार इस सिस्टम में था, आपको PT पास करने नहीं देते जी। आज भले आप मुझे मानो या ना मानो, लेकिन दिल के अंदर में जाके झांकोगे ना, तो यही वो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का, BPSC के लाइफ का और मेरी खुद की लाइफ का, जो आज आप उस सिस्टम के अंदर हो। भले आज मुझे भूल जाओ ये अलग बात है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि BPSC में अगर कोई इतना काम किया तो हम भी इतना काम किए, हम भी दान किए हैं, हम भी BPSC को बेइंतहा मोहब्बत किए हैं, जो इस जमाने में कोई करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा, कोई ऐसा इंसान हो सकता है क्या आंदोलन में अपनी आंख दे दे, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, इस जन्म में संभव नहीं है जो मैंने किया। लेकिन ये सब ऊपर वाले का देन है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा काम कृष्ण कर रहे हैं, मैं बस सामने साक्षात आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी हारने वाला नहीं हूं, चाहे जितनी भी अकड़ हो जाए लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा, कुछ भी करूंगा। बस यही पैशन आप लोग जो भी आज ऑफिसर बन गए हैं, इस बात को याद रखिएगा, ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिएगा, ईमानदारी के साथ अपने बिहार को आगे बढ़ाइएगा, जो दबे कुचले गरीब अगर आपके करीब आए तो उसे मदद कीजिएगा, ये सोच के कि आपकी जिंदगी में मैंने मदद की है। जय हिंद।